नमस्कारम। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो निरंजन नवलगुण जो कि एक एफएम है कर्नाटका के, और पी कार्तिकेयन जो कि एक ग्रैंड मास्टर है। दोनों के बीच एक गेम हुआ था अभी नेशनल सीनियर चैंपियनशिप में सिक्किम में, जो हाल ही में खत्म हुई है। तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। जो गेम स्टार्ट हुआ वो e4, c5, Nxf3, d6, Bb5, Bd7, Bb7, Qd7, मॉस्को वेरिएशन के नाम से हम लोग सभी पहचानते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को, Bb5 को सिसिलियन में जो आता है। शॉर्ट कैसल, Nxc6, c3, e6। नॉर्मली यहाँ पर Nf6 पहले खेलते हैं जिसको रूक ई1 आके, एक्चुअली वो सेम सिस्टम इन्होंने खेला, सिर्फ एक मूव ऑर्डर चेंज हो गया था उसमें। e6 रूक ई1 खेला यहाँ पे, Nf6, d4, c कट d4, c इंटू d4 एंड d5। अभी आप देखिए अगर कि वाइट अगर जब e5 खेलेगा तो ये एक्चुअली ये फ्रेंच के जैसा सिस्टम लग रहा है जिसमें c8 का बिशप ब्लैक ने ऑलरेडी एक्सचेंज कर दिया है विद बिशप ऑन d3 और e2। सो ये एक्चुअली एक अच्छी बात है उसके लिए। और कुछ कंडीशंस में जब ne4 खेलते हैं यहाँ पे, सो Nd2 इज द मेन लाइन। Nd2 के अलावा अगर आप देखेंगे कि Nc3 अगर किसी ने खेला है तो वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज Nc3 के बाद Bc3 मारना पड़ेगा और ये जो बैकवर्ड c3 पे पॉन रहेगा उसको टारगेट कर सकता है हमेशा ब्लैक। तो Nd2 सही है, Nd2 बिशप Nd2 बिशप e7 e3। ये एक रेयर कंटिन्यूएशन है एक्चुअली। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो और भी कुछ वेरिएशन है जो वाइट जा सकता है जिसमें। मुझे याद है बीच में मेरा एक रैपिड में गेम हुआ था सुयोग वाक के साथ जो कि लास्ट में ड्रॉ हुआ था, बट इसी पर्टिकुलर लाइन पे हुआ था हमारा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन है h4, जिसमें कि आप कैसलिंग h5, अगर ब्लैक h6 खेलता है तो हम a3 करके b4 को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर आफ्टर रुक fc8 एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन है यहाँ पे g4, जिसमें वाइट डेफिनेटली ट्राई कर सकता है कि किंग साइड अटैक के लिए वो चांसेस देखे। लेकिन बहरहाल गेम में रुक e3 खेला था। रुक e3 का आइडिया कभी ये हो सकता है कि इस रुक लिफ्ट के थ्रू वो किंग साइड जब भी कैसलिंग होगा तो डेफिनेटली ये रुक तब हेल्प करेगा। कैसलिंग किया यहाँ पे ब्लैक ने, रुक d3 खेला। रुक d3 डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि d4 को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये नाइट f3 जा सके, अदरवाइज Nxd4 का थ्रेट था। तो रुक fc8 खेला यहाँ पे, नाइट g5 h6। यहाँ पर अगर बिशप इंटू g5 मारा होता तो बिशप इंटू g5 के बाद आप देख सकते हैं कि वाइट के पास अभी भी अटैकिंग पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि क्वीन g4, रुक g3 और बिशप f6 एक मेजर थ्रेट आ सकता है और किंग पर थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए एक्सचेंज नहीं किया और h6 खेला। यहाँ पर नाइट h3 खेला, कोई पॉइंट नहीं था कि आप नाइट वापस f3 पे लेके आउट, क्योंकि यहाँ से कम नाइट h3, नाइट टू f4 एंड नाइट h5 जा सकता है, और कभी तो हम चाहें तो हम f4 f5 भी खेल सकते हैं। सो ब्लैक ने यहाँ पे f5 खेला। कुछ कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इसके अलावा एक सिंपल कंटिन्यूएशन ये भी हो सकता था कि नाइट h3 के बाद ब्लैक बिशप f8 खेले, जिसमें आप अपने पीसेस को रीग्रुप कर सकते हैं किंग साइड में, ताकि नाइट f4, नाइट e7 आए और नाइट h5 के बाद आप किंग h8 जा सकते हैं, या नाइट g6, नाइट f5 में से भी कोई कंटिन्यूएशन चल सकती है। पर ये एक अलग तरीका था खेलने का। लेकिन गेम में f5 खेला कार्तिकेयन ने। यहाँ पर अगर हम देखें कि वाइट के पास क्या क्या डिसीजंस हो सकते हैं, तो एक वो नाइट f4 जा सकता है और उसके बाद g4 एक हो सकता है इसमें कंटिन्यूएशन। लेकिन गेम में e कट f6 मारा, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि आपको जिस साइड खेलना है उधर आपको फाइल्स और डायगोनल्स ओपन करने ही पड़ेंगे ताकि वीकनेसेस क्रिएट हो इधर। सो e कट f6 को बिशप इनटू f6 मारा, क्वीन g4 डेफिनेटली बिशप इनटू h6 का ना अभी थ्रेट है, तो किंग h8 खेला। किंग h8 के अलावा यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वीन f7 भी एक कंटिन्यूएशन हो सकता था, बिकॉज अभी अगर बिशप इनटू h6 मारते हो आप तो नाइट इनटू d4 आ रहा है, जिसमें डेफिनेटली ये भी शायद ब्लैक को प्लेबल था। लेकिन किंग h8 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, रुक ae1। और यहाँ तक आते आते मुझे लग रहा है आपकी वाइट के पीसेस ज़्यादा सही जगह पे प्लेस्ड हैं और उसके पास अच्छे टारगेट्स हैं। सो मैं डेफिनेटली ब्लैक के लिए इतना अच्छा नहीं मान रहा हूँ ये पोजीशन। मुझे लग रहा है वाइट इज ऑलरेडी स्लाइटली बेटर। तो रुक e8 खेला e6 को बचाने के लिए यहाँ पे ब्लैक ने, बिशप c3। बिशप c3 के बदले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नाइट f4 आ रहा था, जिसमें अगर आप नाइट इनटू d4 मारते हो तो बिशप c3 अभी खेल सकते हैं, बिकॉज अभी d4 पे थ्रेट है।
और अगर आप नाइट f5 आते हो तो बिशप इनटू f6, जी इनटू f6, नाइट क्वीन h5 सॉरी, और उसके बाद नाइट g6 और रुक h3 आ रहा है, जिसमें ये स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं लग रहा है ब्लैक के लिए, और किंग को सच में थोड़े प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, और डेफिनेटली व्हाइट के पास एक पॉन के लिए अच्छा अटैक है। लेकिन गेम में बिशप c3 खेला, सॉलिड रखा व्हाइट ने एक्चुअली d4 को, और उसके बाद b5 आया जिसमें b3 b4 बिशप टू b2 a5। ब्लैक डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि क्वीन साइड थोड़ी स्पेस जनरेट करके और स्पेशली a5 से कुछ काउंटर क्रिएट करके व्हाइट का ध्यान इधर लगाया जाए, ताकि हमेशा डिफेंस ही नहीं करना पड़े इधर। तो नाइट f4 खेला यहाँ पे a4, और यहाँ पर एक्चुअली b into a4 मारा था निरंजन ने, लेकिन अगर देखा जाए तो नाइट h5 एक बहुत अच्छा चाल था यहाँ पे, बिकॉज अगर आप अभी a into b3 मारते हो तो नाइट इंटू f6 आ रहा है, क्वीन पे थ्रेट है, डेफिनेटली आपको मारना ही पड़ेगा, और क्वीन h4 एक बहुत अच्छा मूव आ रहा था, क्योंकि क्वीन h4 के बाद आप देख सकते हैं कि h6 और f6 दोनों पे थ्रेट है। अगर किंग h7 खेलते हैं तो बिशप c1 फिर से g7 पे थ्रेट है, क्वीन g7 ओनली मूव, और रुक g3 आ रहा है जिसमें क्वीन, अगर आप f8 खेलते हो तो ये पोजीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है, और लास्ट मूव शायद आप a3 भी जा सकते हो, या फिर मुझे लगता है रुक इनटू b3 भी बहुत आसान मूव है, क्योंकि अभी आप मार नहीं सकते हो रुक इनटू a2, बिकॉज रुक h3 आ रहा है और h6 बहुत ज़्यादा वीक है। सो ये शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन गेम में a4 के बाद b4 मार दिया था निरंजन ने। हो सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम प्रेशर हो, मुझे एक्चुअली टाइम का पता नहीं है कि कितना टाइम उधर रिमेनिंग था, लेकिन पॉसिबल है कि इस वक्त आते आते हमको डिसीजंस थोड़े जल्दी लेने पड़ते हैं, और डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि ओपोनेंट के पास कोई किसी भी प्रकार का कोई काउंटर रहे। सो b4 प्रैक्टिकली सही लग रहा है, rook4 मारा यहाँ पे, knh5 bd8 rook g3। अब ये पोजीशन मुझे लग रहा है कि वाइट को धीरे धीरे फेवर करने लगी है, क्योंकि जैसे ही आप rook into a2 मारते हो, यहाँ पर एक्चुअली एक तरीका था कि rook a7 करके आप g7 को बचा सकते हो, बिकॉज g7 दे देना अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ब्लैक के लिए। एक हिसाब से देखा जाए तो आप rook into a2 जब मार रहे हो तो आप a2 लेके और g7 दे रहे हो, विच इज नॉट गुड। सो नाइट इंटू g7 मारा यहाँ पे, rook g8 खेला, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मूव थे एक्चुअली वाइट के लिए, लेकिन वाइट ने यहाँ पे rook e6 खेला। इसके अलावा एक और अच्छा मूव था कि आप queen h7 जा सकते हो, जिसमें कि rook g7 मार सकते हैं, queen h6, डेफिनेटली rook h7 नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि queen f8 मेट हो रही है, और अगर आप देखें कि उस कंडीशन में queen h6 के बाद अगर king g8 जाते हैं, अब rook e6 मार सकते हैं हम, बिकॉज इस कंडीशन में अगर आप b2 मारते भी हैं तो ये जो एक मूव है वो आपके पास है नहीं मेट करने के लिए बैक रैंक का, बिकॉज rook e8 चेक आ रहा है। ऑफकोर्स आप queen e8 नहीं मार सकते हो क्योंकि queen g7 मेट हो रहा है, अगर आप king f7 आते हो तो भी rook g7 king into e8 और queen h8 मेट हो रही है। सो ये एक पॉसिबल था कि rook g8 के बाद queen h5 खेला जाए, लेकिन rook into e6 मारा यहाँ पे वाइट ने, उसके बाद bg5 खेला यहाँ पे। अगर हम बात करें निरंजन की, तो मुझे लग रहा है कि इस कंडीशन में एक्चुअली मैं जहाँ तक जानता हूँ निरंजन को, कि वो वैसे देखा जाए तो कैटालन जो वाइट से स्ट्रक्चर्स आते हैं वो बहुत ही अच्छा खेलता है, और दिल्ली में जब उसने GM नॉम किया था तब उसने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हराया था, सो डेफिनेटली और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में अच्छा खेला है वो। हाल ही में हम लोग बीच में एक ट्विच पे एक हमने ब्लिट्स का एक सेशन खेला था, दो बार खेले थे हम एक्चुअली, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग रहा था, और वैसे बहुत हेल्पफुल नेचर वाला है, सो बहुत अच्छी बात है वो। अगर हम गेम की बात करें तो क्विकली फिनिश करते हैं इस गेम को। आफ्टर bg5 नाइट h5 खेला यहाँ पे, हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, क्योंकि इसको आप बीच में पॉज करके भी देख सकते हैं कि नाइट h5 के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं क्या वाइट के पास, क्योंकि अभी ये पोजीशन बहुत ज़्यादा शार्प होता जा रहा है, क्योंकि आपको एक भी मिस्टेक इधर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा ये थ्रेट है rook b2, और आप बिशप को बचा नहीं सकते बिकॉज बैक रैंक के इश्यूज हैं यहाँ पे डेफिनेटली। लेकिन आपने शायद चेक कर लिया होगा कि यहाँ पर नाइट h5 के अलावा rook h6 एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि इस कंडीशन में एक्चुअली आप देखें बिशप h6, क्वीन d7 और rook b2 आ सकते हैं आप, क्योंकि इसमें
अगर आप h4 खेलते हो तो बिशप रुक b1 चेक आ रहा है, किंग h2 और बिशप f4, डेफिनेटली इसमें ये विनिंग लग रहा है, लेकिन इसमें अभी भी चांसेस लग रहे हैं थोड़ा। तो हो सकता है टाइम प्रेशर और कुछ क्लियर कट विनिंग निकालने के चक्कर में यहाँ पे Rxe6 के बाद Bg5 और Nh5 खेला हो, Bg5 Nh5, और यहाँ पर क्वीन h7 खेला ब्लैक ने, h4, और अब एक अच्छी बात हो गई इसमें कि बिशप एच किंग h2 आ सकता है इजीली। बिशप e3 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और मुझे लगता है यहाँ तक ही एक्चुअली मेरे पास जो पीजियन आई थी उसमें वो गेम यहाँ तक ही था, तो यहीं पे रिजाइन कर दिया होगा पी कार्तिकेयन ने। लेकिन अगर हम आगे देखें तो डेफिनेटली अगर आप क्वीन को रिमूव कर देते हो कहीं पे भी e2 पे या f3 पे, लेट से f3, तो ये सिंपली विनिंग है, क्योंकि क्वीन f6 चेक के बाद कोई सोर्स नहीं है इसके पास, और हमेशा वो जो एक मूव चाहिए थी ब्लैक को रुक b2 रुक b1 की के बाद या रुक a1 की, वो मिली नहीं, और h4 भी राइट टाइम पे आ गया था। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा निरंजन के लिए, और पी कार्तिकेयन बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। मुझे याद है मैं एक बार उनके साथ खेला हूँ, जब दिल्ली में ही खेला था मैं, मेरे वाइट थे, हम सिसिलियन पे खेले थे, तो मैं हारा था वो गेम, लेकिन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग खेलते हैं। तब मुझे लगता है वो IM थे, अभी अभी ग्रैंड मास्टर बन गए। निरंजन की अगर बात करें तो निरंजन बहुत अच्छा लिखता भी है, मैंने बीच में उसका एक बुक भी परचेस किया था लाइवली लाइब्रेरी करके, रीडो मानिया का उन लोगों ने पब्लिश किया था, तो डेफिनेटली। और अगर चेस वाइज बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा भी खेलता है वो, और बाय नेचर बहुत अच्छा लड़का है मुझे, मैंने अब जब भी उससे मिला हूँ, हम एक दो बार रुके भी हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करता है वो। सो वो एक अच्छी बात है उसकी, और डेफिनेटली चेस वाइज भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि अपने कुछ अगले टूर्नामेंट्स में और वो कुछ कमाल करेगा, और मैं फिर से आपके लिए उसका कोई गेम लेके आऊंगा, और कार्तिकेन का भी अगर कोई गेम अच्छा होता है तो डेफिनेटली हम देखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।